हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3 स्टैटिस्टिक्स का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ था, और उसके लिए हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। तो उसमें पहला था मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसमें जो फार्मूला था वो था सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब क्या हो गया मीन, डिवाइडेड बाय यहाँ था सिग्मा आई बराबर 1 से एन और एफ आई। इसी को हम लोग दूसरे रूप में लिखे थे समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, मतलब सम एन क्या हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसा कि यहाँ पर है। दूसरा था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसमें भी फार्मूला जो था सेम था, सिर्फ यहाँ पे जो मीन है एक्स बार उसके जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मीडियन, तो जगह समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय सिग्मा आई बराबर 1 से एन और क्या है समेशन ऑफ एफ आई। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिखें आई बराबर 1 से एन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। ये मेरा दोनों चीज़ हो गया, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किसके लिए, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखे थे, अब हम लोग बोले थे पिछले वीडियो में कि हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि जब हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में रहेगा उसमें हम लोग क्या है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे इसका सॉल्व करना है। इससे हम लोग को जब एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो उससे हम लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए एक हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। बोलता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो इस दिया हुआ क्वेश्चन का हम लोग को मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब एम डी एक्स बार फाइंड करना है। तो इधर थोड़ा सा हम लोग फार्मूला लिख लें, एम डी एक्स बार का फार्मूला क्या होता है समेशन आई बराबर 1 से एन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई बराबर 1 से एन एफ आई, या तो इसी को हम लोग क्या बोले थे तो एन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग एन फाइंड कर लेते हैं, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेते हैं। तो एन, तो एन मेरा फ्रीक्वेंसी कितना दिया हो, देखो एन मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हो जाएगा समेशन आई बराबर 1 से एन एफ आई, ये कितना 6 जोड़ 8 जोड़ 15 जोड़ 25 जोड़ 8 जोड़ 4, मतलब कितना था 6 8 15 25 8 4 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 5 17 और 5 22 और 8 हो जाएगा 30 और 6 36 का 6 हाथ में 3 3 और 2 5 और 1 6 66, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग का जो एन जो आ गया वो मेरा कितना आ गया 66 आ गया है। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो ये मीन निकालते हैं, एक्स बार का वैल्यू निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें मीन मतलब एक्स बार क्या होता है सम ऑफ आई बराबर 1 से एन क्या होता है एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय क्या होता है एन, नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो हो जाएगा सिंस हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ हो जाएगा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब वहाँ जो एक्स आई और उसको फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना है 3 गुना 6 जोड़ हो जाएगा 5 गुना 8 जोड़ हो जाएगा 7 गुना 15 जोड़ हो जाएगा 9 गुना 25 जोड़
ये हो जाएगा 11 गुना 8 जोड़ ये हो जाएगा 13 गुना 4 डिवाइडेड बाय n, तो n का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। तो कितना होगा 3 छक 18 जोड़ 25 अट्ठी 40 जोड़ 15 सते हो जाएगा 105 जोड़ 25 नवा ये हो जाएगा 225 जोड़ 11 8 88 जोड़ फिर कितना है 13 चौक 52 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 66 ऐड करेंगे तो होगा 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20 और 8 28 का 8 हाथ में 2 5 और 2 7 और 8 15 और 2 17 और 4 17 4 21 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2 तो 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा 528 बटा 66। अब जो है 528 को जब 66 से डिवाइड करेंगे देखिए ये जो है पूरा पूरी 8 बार में वह कट जाएगा तो मेरा x बार निकल गया तो हम लोग को मतलब मीन निकल गया है। तो हम लोग को अब क्या करना है एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है उसका मोड फिर इसका जो है मल्टीप्लाई तो करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ से देखिए एन निकल गया इतना और एक्स बार हम लोग का निकल गया 8 इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं। नाउ वी प्रिपेयर द टेबल एक हम लोग टेबल बनाते हैं ए मेरा क्या दिया हुआ है एक्स आई ए मेरा क्या है एफ आई हम लोग क्या निकालते हैं डायरेक्ट मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर क्या करते हैं तो एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं। ये कितना है एक्स आई 3, 5, 7, 9, 11, 13 फ्रीक्वेंसीज कितने हैं 6, 8, 15, 25, 8, 4 अब क्या करना है इसका मॉड तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स बार का वैल्यू कितना 8 निकाल के रखे हैं तो मॉड ऑफ 6 माइनस 8 तो हो जाएगा -2 मतलब हो जाएगा 2 ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 8 0 हो जाएगा मॉड ऑफ 15 माइनस 8 तो हो जाएगा 7 मॉड ऑफ 25 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 25 में 8 जाएगा तो 17 फिर हो जाएगा मॉड ऑफ 8 माइनस 8 0 फिर मॉड ऑफ 4 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा 4 मतलब हम लोगों को कितना निकल गया 5 हम लोग कितना निकल गया तो सॉरी देखिए हम लोग कहाँ गलती कर दिए हैं ये हम लोग फ्रीक्वेंसी में नहीं एक्स आई में घटाना है मिस्टेक किसको जो है हम लोग गलती से फ्रीक्वेंसी वाला माइनस कर दिया है ना यहाँ हो जाएगा एक्स आई माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 8 तो होगा -5 का मोड हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 माइनस 8 ये हो जाएगा 3 7 माइनस 8 हो जाएगा 1 मॉड ऑफ 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 11 माइनस 8 हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 13 माइनस 8 हो जाएगा 5 तो हम लोग को आ गया है 5 3 1 1 3 5 हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे तो 6 हो जाएगा 6 5 30 8 3 24 15 1 15 25 1 25 8 3 24 और 4 4 5 20 अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका सम तो हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार जुड़ दीजिए हो जाएगा 4 5 9 और 5 14 4 18 का 8 हाथ में 1 4 2 6 1 7 2 9 2 11 2 13 ये कितना होगा 138 तो हम लोग को आ गया है 138। अब हम लोग सारा कुछ हो गया हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे। नाउ वी नो दैट क्या होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन तो क्या होता है फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक्स आई बराबर 1 से एन
एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये मेरा कितना निकल के आ गया है, 138 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एन कितना है, ये मेरा हो गया 66। अब जो है 138 को 66 से डिवाइड यदि कीजिए तो देखिए कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार, आठ ती दो से काटिए हो जाएगा 33, दो से काटेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर करेंगे तीन से कटेगा, तीन, हाँ तीन से कट जाएगा 3 = 11, अगर 3 × 2 = 6, तीन से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा 33। अब जो है ये कटेगा आपका, देखिए 3 से नहीं 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 69 हो जाएगा। अब जो है 3 से कट जाएगा, 3 = 11, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, मतलब 23/11। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.08 आएगा, देखिए 2.08 आएगा, हाँ तो 2.09 तो कर लीजिएगा आप डिवाइड, तो इतना हो जाएगा क्या जी मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन का वैल्यू। मतलब हम लोग को इतना करने के लिए हमको इन सारे प्रोसेस से हमको आप लोग को गुजरना होगा तब निकलेगा, क्या निकला मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन लिख रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसके लिए, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए। अब जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हम लोग को क्या निकालना है, फार्मूला उसका क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लें, अब उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को चलेंगे, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से एन मॉड ऑफ एफ आई इंटू हो जाएगा एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है, ये हम लोग को वैल्यू पता करना है, इसका फार्मूला लिखे हैं इतना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो एन का वैल्यू निकालना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना, उसके बाद का स्टेप हम लोग को मीडियन फाइंड करना। तो हम लोग देख जानते हैं कि मीडियन किस पे डिपेंड करता है, वो एन पे डिपेंड करता है, एन यदि ऑड होगा, एन यदि ऑड होगा तो मीडियन क्या होता है, एन प्लस 1/2 विथ आइटम्स वैल्यू, यदि वह इवेन हो गया, ये क्या था, जब एन क्या होगा, ऑड होगा, और जब एन इवेन होगा तो हम लोग जानते हैं एन बाय 2th आइटम्स वैल्यू प्लस हो जाएगा एन बाय 2 प्लस 1th आइटम्स वैल्यू, फिर क्या है डिवाइडेड बाय 2, ये होता है कब, जब एन मेरा क्या हो, तो इवेन हो। तो ये फार्मूला हम लोग पहले भी देखे हुए थे, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एन ऑड आ रहा है कि इवेन, उसके अनुसार से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं, एन मेरा हो जाएगा 6 + 8 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 4 = 12, 3 × 15 = 5 = 20, और 8 × 28 = 6 = 34, हाथ में 1 यह होगा 44, है ना, होगा हो जाएगा 34 × 4 हाथ में 3 और 1 4 44। अब ये 44 मेरा क्या है, तो इवेन है, तो इवेन है तो हमको क्या निकालना है, तो एन बाय ए फार्मूला जो लिखे थे उसके अनुसार थे, तो उसके अनुसार से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे, उसका हम लोग फ्री जो है सी एफ निकालेंगे, वो एटम का वैल्यू के लिए उसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या टेबल तैयार करते हैं, ये हो जाएगा एक्स आई, फिर एफ आई, फिर क्या हो जाएगा सी एफ, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये कितना है बाबू, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर कितना है 6, 8, 15, 3, 8, 4। अब इसको हमको क्या करना है, जो इसको हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो निकालिए
तो हो जाएगा छः, शुरू में आठ और छः हो जाएगा चौदह और पंद्रह हो जाएगा उनतीस और तीन बत्तीस और आठ होगा चालीस और आठ अड़तालीस, सॉरी चालीस और चार हो जाएगा चौवालीस। ये हम लोग को आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे तो मीडियन निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं हेयर एन क्या है, इवेन नंबर। तो नाउ मीडियन बराबर क्या होता है, तो एन बाय टू विथ आइटम्स वैल्यू प्लस एन बाय टू प्लस वन एथ आइटम्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। तो एन मेरा कितना है 44, तो हो जाएगा 44 बाय टू विथ आइटम्स वैल्यू प्लस हो जाएगा 44 बाय टू प्लस वन एथ आइटम्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। अब 44 बाय टू तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 एथ आइटम्स वैल्यू प्लस ये होगा 22 और 1 23 आइटम्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसमें 22th आइटम्स कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं सी एफ निकालने जानते हैं उसमें, तो 22th किसमें आ रहा है, देखिए सी एफ में 22 14 के बाद इसमें आ रहा है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एक्स आई मेरा क्या है 7 है, तो कितना हो जाएगा 22th आइटम क्या हो जाएगा 7। 23 भी इसी में आएगा तो हो जाएगा प्लस 7 बाय 2 तो हो जाएगा 14 बाय 2 मतलब कितना आ गया 7। मतलब हम लोग का जो मीडियन आ गया, तो हम लोग का मीडियन का वैल्यू क्या आ गया बाबू, वो 7 आ चुका है। अब मीडियन आ गया है तो उसके अनुसार से हम लोग जो फार्मूला जो बोलता है इसके अनुसार से फिर से हम लोग को टेबल बनाएंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ लिख देते हैं मीडियन मेरा कितना आ गया है 7, ये चीज़ आ गया है। अब नाउ प्रिपेयर अगेन वी प्रिपेयर टेबल, इसको मिटा दें इधर। Again we prepare table, क्या है एक्स आई, फिर है एफ आई, फिर क्या है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम मतलब मीडियन, फिर यहाँ पर क्या है एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम, ये मेरा कितना है 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये कितना है 6, 8, 15, 3, 8, 4 अब इसमें मल्टी इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स आई मेरा कितना है 3 माइनस मीडियन कितना है 7 माइनस 4 का मोड 4 हो जाएगा 5 माइनस 7 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 7 माइनस 7 ये हो जाएगा 0 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 11 माइनस 8 तो 3 हो जाएगा 13 माइनस 8 तो हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए एफ आई से तो होगा 6 गुना 4 इन होगा 6 गुना 4 24 8 गुना 2 16 15 गुना 0 0 3 गुना 2 6 8 3 24 4 5 20। अब हम लोग क्या करेंगे इसका सम निकालेंगे, तो हो जाएगा सम समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, तो कितना होगा 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20 का 0 हाथ में 2 2 2 4 1 5 और 2 7 और 2 9 तो हम लोग को कितना आ गया है ये वैल्यू हम लोग का 90 आ गया है। अब जो है 90 आ गया है, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। लेकिन निकालने से पहले देखिए फिर से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा 7 होगा, 11 में 7 जाएगा 4 क्योंकि 8 यहाँ तो था नहीं 7, तो कितना होगा 7 17 में 13 में 7 या 6 मतलब हो जाएगा या 8 चौके 32 और हो जाएगा 6 चौके 24। फिर से ऐड कर लीजिए 6 और 4 10 और 6 16 और 2 16 और 2 18 और 4 22 का हो जाएगा 2 हाथ में 2 2 और 2 4 1 5 और 3 8 और 2 10 मत आ गया मेरा 102। अब वी नो दैट क्या चीज़ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, सिग्मा आई बराबर 1 से एन
एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। आप देखिए मेरा कितना आ गया 102 डिवाइडेड बाय, और एन मेरा कितना है 44, डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 22, मतलब 51/22। अब जो है 51 को जब 22 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.32, ये मेरा कितना आ जाएगा 2.32, मतलब ये मेरा आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का आंसर और उसको निकालने का तरीका। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने एक एक एग्जांपल लिया किसके लिए, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे वह जो होता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकाले थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। अब हम लोग को जो अगला है वह है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो जब सीरीज मेरा कंटिन्यूअस सीरीज में दिया रहेगा तब उसका हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का, इसको नोट कर लीजिए। कंटिन्यूअस सीरीज का आप तो बोलें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग पहला उसमें देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को पता है, पढ़े हुए होंगे कि उसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का जो है इसका हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे उन स्टेप्स को पहले डिस्कस करते चले, और क्या करेंगे इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड हम लोग जानते हैं मीन हम लोग डायरेक्ट मेथड के द्वारा फाइंड करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, ये मीन का फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, जैसा कि क्लास 10 में आप जो है बनाए होंगे। और शॉर्टकट मेथड भी है उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड्स का यूज़ करेंगे, मतलब शॉर्टकट मेथड सिर्फ यूज़ होगा मीन निकालने के लिए। हालांकि उसके बाद तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला तो वही रहेगा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ चुके हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला, तो पढ़े हुए हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन का, तो सिग्मा आई बराबर 1 से n, ये हो जाएगा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। फार्मूला तो यही फार्मूला को यूज करना है, n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग को मेन है यहाँ पे मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से नहीं बल्कि शॉर्टकट मेथड से, इसीलिए इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन जो निकालेंगे वो कौन मेथड हो गया शॉर्टकट मेथड। यदि ये मीन आप डायरेक्ट मेथड से निकालिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा वो डायरेक्ट मेथड, ठीक ना। तो ये जो अगर शॉर्टकट मेथड निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को स्टेप्स कौन कौन सा फॉलो करना होगा, तो देखिए तो सबसे पहला जो स्टेप्स बोलता है वो बोलता है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास, फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई फोर ईच क्लास। क्लास मार्क यदि बोला जाए इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मिड वैल्यू। और हम लोग को ये पता है कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। यदि कोई क्लास इंटरवल जो है 15 से 20, फिर है 20 से 25 इस तरह से है, तो इसका हम लोग को एक्स आई निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे दूसरे डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा क्लास मार्क, आप तो उसको बोल देंगे मिड वैल्यू एक्स आई निकल जाएगा। तो पहला जो स्टेप है हम लोग को क्या करेंगे तो एक्स आई निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एज्यूम दैट द मीन इज ए। दूसरा स्टेप कंसीडर एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड
मीन जिसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, जो क्लास मार्क में जो आएगा किसी एक को आप एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लीजिए। आप इंडिपेंडेंट हैं वह कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, किसी को आप जो है एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तीसरा जो स्टेप है फाइंड डेविएशन, फाइंड हम लोग को क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन मतलब यहाँ हो जाएगा डी आई, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी आई, मतलब डी आई मेरा क्या हो जाएगा, डी आई का वैल्यू उसमें हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाय एच, क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाय एच। एक्स आई मेरा क्या हो जाएगा, जो क्लास मार्क होगा मिड वैल्यू, ए मतलब उसमें जो एज्यूम्ड मीन जो होगा सो, और एच मेरा क्या होगा तो हाइट आ तो साइज, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब लगा है डिफरेंस कितना का है, 15 से 20, 5 20 से 25, 5, मतलब वहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, उस केस में जब ऐसा रहेगा। यदि डिफरेंस 10 का होगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग पहला तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे जो है डेविएशन फाइंड करेंगे, वेयर h क्या है तो साइज ऑफ चेक साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। चौथा जो स्टेप हम लोग का है वो क्या करेंगे, तो हम लोग फाइंड करेंगे जो है मीन, कैलकुलेट मीन। अब कैलकुलेट मीन कौन सा मेथड यूज किए हैं, तो शॉर्टकट मेथड यूज किए हैं। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मीन का, तो वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच। ये मेरा क्या हो गया शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच डिवाइडेड बाय एन, वेयर वेयर एन क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई। अब जो है एफ आई क्या होगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा डी आई, यहाँ से निकाल के रखेंगे, एच हम लोग जान रहे हैं क्या होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइड बाय एच एन कर देंगे। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है वो हम लोग का है फार्मूला, यूज द फार्मूला, यूज द फार्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन का, क्या हो जाएगा समेशन आई बराबर वन से एन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लेंगे। नेक्स्ट जब होगा तो आपको बता देंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके लिए हम लोग क्या लेंगे एक एग्जांपल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया आपको समझ आ गया होगा। इन स्टेप्स को आप ध्यान में रखिएगा, फार्मूले को जितना बताएगा फार्मूला ध्यान में रखिएगा, तब आपको समझ आएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और इससे मीन का, मीन डेविएशन अबाउट मीन का एक एग्जांपल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।